नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण उद्यान कक्षा पहली पार्ट थ्री, तीन बिंदु और चंद्रबिंदु, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बिंदु को अनुस्वार और चंद्रबिंदु को बोलते हैं अनुनासिका। ये हमने अरुणिमा हिंदी की पाठ्यपुस्तक में से किया है ना ये लेसन, अनुस्वर और अनुनासिका। अब देखो अंडा, ये अंक बिंदु है ना, तो अंडा हम मैंने अवाक करवाया था, तो कैसे करते हैं, ये जो हमारी जीभ है वो तालू के साथ लग जाती है और नाक में से आवाज आती है अंडा। अब बार बार करो ऐसे तो आपको आ जाएगा पढ़ना। अंडा, पतंग, पतंग, बंदर, बंदर, ऊंट। देखो चांद बिंदु, ये हमारी नाक में से आवाज आएगी और हमारा जो मुंह है वो खुल जाता है। ऊंट, ऊंट। आंख, आंख, चांद, चांद। देखो बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार भी कहते हैं, चंद्र बिंदु को अनुनासिका भी कहते हैं। पढ़िए और समझिए। शंकर, कंकर, पंखा, अंदर, सुदर, सुंदर, मंडली, मंडली, कंघा, मंदर, दंड, दंड, सूंड, सूंड, कुआं, कुआं, हंसी, हंसी, पाव, पाव, मांद, मांद, द आव, दाव, पूछ, पूछ, ग आव, गाव, प आंच, पांच। आओ अभ्यास करें। शब्द के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। देखो ब द लिखा हुआ है, तो अब हमने इसको बिंदु कहाँ या चंद्र बिंदु कहाँ लगाएंगे, देखो बंद तो क्या लग जाएगा, अंग की आवाज, बिंदु। ब आ सर ई, देखो ब आ तो ये चांद बिंदु, ब आ स उ र ई बांसुरी, ज अंग की बिंदी गल जंगल, द अंग की बिंदी गल दंगल, फंदा फ के ऊपर चांद बिंदु द आ फंदा, हंसी ह ऊपर चांद बिंदु स ई हंसी, र अंग रंग, क अंगन कंगन ऊपर चांद बिंदु, ट आंग टांग ये हमारा चांद बिंदु, क घ आ कंघा, पंख आ पंखा, स आंड सांड क्या है, चांद बिंदु लगेगा इसके ऊपर। अब सही शब्द छांट कर चित्र के नीचे लिख, हाँ जी सही शब्द छांट कर चित्र के नीचे लिखिए। जैसे देखो सांप, कंघा, बंदर, अंडा, शंख, बांसुरी, ये चित्र दिए गए हैं। ये क्या है, अंडा, तो अंडा लिखेंगे, ये कंघा, कंघा लिखेंगे, बांसुरी, बांसुरी लिखेंगे, ये शंख है तो शंख, ये क्या है, सांप, सांप, बंदर, ये आपने मम्मा की हेल्प से इसको पूरा करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।